ट्राई करने में क्या जाता है? तो हमने थप्पड़ मारा मुझे, तेरी औकात है, तेरी ये है, तेरा वो है। मैं दो सब्जेक्ट्स में फेल हो गया था। तू दो दिन में घर से निकल जा, तू घर से बाहर निकल जा। एक चम्मच तक नहीं दिया था मुझे। But there's something inside of you that says, I just have to follow that. Because you don't know who you're going to meet. Anj, how's your day going? बढ़िया जा रहा भाई। अभी काम से वापस आया है, दिहाड़ियाँ लगा के। Anything exciting happened today? ना भाई, दिहाड़ियाँ लग रही है। Nothing exciting happened today? ना भाई, दिहाड़ियाँ लग रही है। Not a special person came into your life. Not into your life, but into your day today. भाई बकचोदियां ही हो रही, कुत्ते आके पीछे पड़ जाते हैं अपने काम पे। वेयर हाउस में we had really nice wraps today. So wrap खा लिया, चलो exciting wrap खा लिया। Okay, you've been in Australia for 3 years. I've only really known you for like a year. I know a bit about your past, but not completely. So maybe tell me, what was it like in India before you came to Australia? इंडिया में बढ़िया था भाई, मतलब वहां पे इंडिया में यार काफ़ी स्कूलिंग वगैरह बढ़िया गई थी। मेरा एक ही ग्रुप था शुरू से, वही गुरु साहब विरक वगैरह थे, असीस समीश वगैरह। वो तो चलो वो टाइम वैसा था ना कि पता नहीं था कि दुनिया में होता क्या है, ये चीज़ें नहीं होती हैं वगैरह, ये सारी जो अब चीज़ें जो फेस कर रहे हैं ये पहले नहीं होती थी। What was your school life like? Were you like the good boy getting the good grades? Nah, bhai. Were you just the sort of one that used to get in trouble with the teachers all the time? Nah, bhai. मैं ऐसा था कि टीचर्स के सामने मतलब पूरा चुप, बढ़िया अच्छा गुड बॉय मतलब, और अपने यार दोस्तों के साथ पूरा डंगर होता ना बंदा जो, तो पूरा ही नॉटी वाला बैक बेंचर, एक नंबर का बैक बेंचर। मतलब मैं बैक बेंचर था लेकिन फर्स्ट सीट में बैठता, मतलब टीचर के अंकों में भी सही रहो, पीछे वाली बकचोदी भी चले। Were your studies like, were your grades good? Did you like studying? Seventh class तक ठीक रहे ग्रेड, बाकी उसके बाद मतलब काम ठंडा ही रहा। What was your favorite like subject or favorite sort of part of staying in India? भाई दोस्त ही भाई, दोस्त के साथ, दोस्तों के साथ मजा आता था। स्कूल भी जाते थे मतलब इसी करके जाते थे कि मतलब कभी एनुअल फंक्शन में पार्ट लेना या फिर अपना दोस्तों यारों के साथ मिलने जाना है, वरना मन नहीं लगता था स्कूल में। So you studied in year 12, obviously people study a little bit harder in year 12. Did you have the intention of coming to Australia before you started year 12? मतलब ऑस्ट्रेलिया आना मेरा थोड़ा फैमिली रीजंस के करके मेरा पहले ही थोड़ा सेट हो गया था, मतलब काफ़ी लाइक जब मैं फर्स्ट या सेकंड ग्रेड में था तो तभी से चल रहा था कि मतलब हाँ भाई ऑस्ट्रेलिया जाना है, ये करना है। तो मतलब वीज़ा के इंटेंशंस में मतलब पता नहीं था कि वीज़ा लगेगा भी कि नहीं लगेगा, लेकिन ये पूरा सेट था कि हाँ बाहर जाना है जाना है। बट मेरा ज़्यादा मन ये था कि मैं कैनेडा जाऊँ, है ना, कैनेडा के साथ ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे मेरे सारे दोस्त वहाँ पे ही है, पता नहीं क्यों ही यहाँ पे आ गया। What was your expectation of Australia before you came? मतलब मैंने सोचा था कि ऑस्ट्रेलिया में मतलब जब आएंगे एंटर वगैरह करेंगे ना, मतलब यूनी वगैरह में जाएंगे, अच्छी लाइफ होगी, अच्छे जैसे दोस्त होंगे, इवेंट्स भी होंगे जैसे इंडिया में होते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह भी होता रहेगा, सब कुछ वो काम होगा। बट इवेंचुअली जो मैंने सोचा था वो वैसा टर्न अप हुआ नहीं, मतलब बहुत डिफरेंट रहा मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे, मतलब जो कहते हैं ना, मतलब जो मैंने सोचा था उससे बिल्कुल ही ऑपोजिट हुआ वहाँ पे। इन व्हाट वे? मैं मिडल में तो कुछ नहीं कहूँगा, इधर रियली गुड और इधर रियली बैड। सो लाइक व्हेन यू फर्स्ट केम टू ऑस्ट्रेलिया, लाइक योर फर्स्ट डे, कंपेयरिंग दैट ऑन लाइक द फर्स्ट डे जस्ट टू नाउ, हाउ डिफरेंट इज इट? डिफरेंट तो काफी है, पर्सनालिटी में चेंज है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट में बहुत चेंज है, और ये है चेंजेस थोड़े बहुत हैं जिनको काउंटिंग वगैरह कर सकते हैं, बट या ज़मीन आसमान का फ़र्क है भाई। सर लाइक व्हेन यू केम टू ऑस्ट्रेलिया डिड यू सॉर्ट ऑफ एक्सपेक्ट दैट यू वुड हैव टू वर्क एंड पे योर ओन फीस एंड इट बी इजी, और डिड यू थिंक इट्स गोना बी क्वाइट हार्ड, आई एम गोना हैव टू पुट इन क्वाइट अ लॉट ऑफ एफर्ट? मतलब सोचा तो मतलब यही हुआ था कि अपना जैसे ना कि अभी ये हिंदी में बोल रही, मतलब इंग्लिश में बोल रही, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, तो कुछ तो वीर लग रहा था। तो अपना मतलब सोचा तो यही हुआ था कि हाँ फीस अपने आप निकालनी है, सब कुछ अपने आप ही करना है। बट जो चीज़ें मेरे साथ हुई थी
मेरी लाइफ में हुई है वो मैं चाहता नहीं किसी और के साथ हो, और मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि शायद वो मेरे साथ हो जाएंगी. तो एक्सप्लेन लाइक सो ऑब्वियसली यू आर सेइंग इट वाज अ बिट हार्डर व्हेन यू फर्स्ट केम हियर. एक्सप्लेन व्हाट सॉर्ट ऑफ जॉब्स यू वेंट थ्रू, लाइक व्हाई इट वाज सो हार्ड इन द बिगिनिंग. चलो ऐसा करते हैं, पूरी स्टोरी बताते हैं शुरू से स्टोरी करते हैं. मैं आया था, चलो इंडिया से बात वगैरह कर शुरू करते हैं. मतलब मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं थी, क्योंकि ट्वेल्थ में मार्क्स बहुत कम थे, मतलब ठीक थे, एवरेज थे, ठीक है. तो एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि हाँ भाई ऑस्ट्रेलिया अब तो जाएंगे कि नहीं जाएंगे. क्या हुआ उसके बाद कि जब वीज़ा वगैरह लग गया, सब कुछ लग गया, पहले दिन यहाँ पे आए थे, मतलब घर वालों ने, मैं लूँगा नहीं मैं किसके साथ रहा था पहले यहाँ पे आगे, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, बट फैमिली मेम्बर ही थे, उनके साथ ही रहा था. तो उन फैमिली मेम्बर्स ने मुझे इतना मतलब ट्रस्ट दिलाया था कि हाँ कि तू यहाँ पे आएगा, हम ये करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा. तो मतलब जो कहते हैं ना कि सपने दिखाने और मतलब फिर वो चीज़ पे रहना नहीं, मतलब वो चीज़ें मेरे साथ हुई थी. तो जब मैं अभी भी मेरे को डेट याद है, मैं 15th of July 2017 में आया था यहाँ पे. 3 साल हो गए अब, तो तभी वीडियो बना रहे हैं, 3 years एक्सपीरियंस एज अ स्टूडेंट. तो पहला दिन जो था ना, मतलब वो काफ़ी मतलब बढ़िया के जो जैसा उन्होंने बताया था कि वैसा सब कुछ हो रहा है, तो मतलब मज़ा आ रहा था कि रहने में ना, कि हाँ मैं सब जैसा जैसा सोचा था कि वैसा वैसा ही हो रहा है, बढ़िया लग रहा है. चीज़ें मतलब बदलने लगी सेकंड दिन से जैसे ना पूरा मतलब माहौल ही पूरा का पूरा चेंज हो गया. चेंज इन सेंस के जो फैमिली मेम्बर थे ना, उन्होंने मतलब उन्होंने मुझे मुँह पर कह दिया था कि यहाँ पे जो तू रहेगा ना, मैं तेरी गांड में डंडा डाल के रखूँगा. आई एम सॉरी आई एम बीइंग ऑफेंसिव ओवर हियर, बट जो बात ऐसी थी, उन्होंने मुझे मतलब कहा था, मुंह पे कह दिया था सीधा कि मतलब मैं तेरी लाइफ ख़राब करके यहाँ पे रखूँगा. मतलब उन्होंने ऐसे मुझे कहा था, मुझे कहा था चलो ठीक है, घर वाले मजाक करते होंगे, चलो. और उन्होंने कहा था जैसे मतलब लाइफ ख़राब करके रखूँगा ये वो. तो मतलब वो सेकंड डे से मतलब दिखना मुझे शुरू हो गया था, उसका धीरे धीरे उसका हिंट आना शुरू हो गया था. तो सेकंड डे से चलो मैंने जॉब वगैरह ढूंढनी शुरू की, कुछ किया. मतलब अब बंदा किसी लाइक एलियन के कहते हैं ना, एक अननोन प्लेस के ऊपर जाता है, लाइक किसी दूसरी कंट्री जाता है, जाकर डिफरेंट कल्चर है ये वो है. तो वहाँ पे आके थोड़ा डिफिकल्टी तो होती है कि यार अब मुझे थोड़ी पता कि अगर इफ़ आई गो टू कनाडा राइट नाउ, तो मुझे थोड़ी पता कि कौन सी जगह कहाँ पे जाती है और नेक्स्ट स्ट्रीट पे क्या, तो वो क्या, मुझे वो पता नहीं है बिल्कुल भी. तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि अगर फैमिली वहाँ पे रहती है कुछ तो हेल्प करेगी, कि है ना कि यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे जाती है, ये चीज़ ऐसे जाती है. मतलब उन्होंने मुझे सीधा मुँह पे बोल दिया अपने आप पर. बिल्कुल भी नहीं, कोई यूनी कैसे जाना है, ये कैसे जाना है. एक दिन बस मुझे यूनी लगे थे जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी के लिए, बट उसके बाद ना, मतलब वो थोड़ा मुश्किल टाइम था. मतलब मेरा जुलाई फर्स्ट वीक के आने के बाद ही फर्स्ट क्या, मतलब पहले दिन के बाद ही मतलब मुश्किल टाइम मेरा शुरू हो गया था. बहुत गंदा टाइम मतलब मेरा निकला था. तो वही बस यूनी में जाना, डिफरेंट स्ट्रक्चर था पढ़ाइयों का भी, मुझे पता नहीं था कि पढ़ाई कैसी होती है, असाइनमेंट्स कैसे देते हैं, ये सब कुछ वगैरह कैसे करते, कुछ पता ही नहीं था, मतलब ज़ीरो नॉलेज थी, है ना. नूप था मैं पूरा. तो वो जब चीज़ स्टार्ट हुई, धीरे धीरे थोड़ा फ्लो आने लगा. मैं बूस्ट जूस पे पहले काम करता था, मेरी फर्स्ट नौकरी थी. वो जो फैमिली मेम्बर थे उन्होंने लगवाई थी, उनके स्टोर में थी. चलो वो तो मैं मानता कि उन्होंने मेरी जॉब लगवाई थी, बट कहीं ना कहीं मुझे ये लगता था कि मेरी सैलरी कहीं पर कम होती थी. कोई वो डॉजी काम वहाँ पे कुछ होता था कि जिसमें मतलब मुझे सैलरी प्रॉपर नहीं मिलती थी. मैं सीधा बताता हूँ, इट वॉज लाइक $200 or $300 पर वीक का सिर्फ $200 or $300 ही मिलता था. सॉरी मतलब बाहर अभी जाना पड़ अंदर आना पड़ गया था, बाहर इतना ज़्यादा अंधेरा हो गया, ठंड भी हो गई है, तो अंदर आना पड़ा हम दोनों को. मतलब अभी पूरे सेटिंग की है कैमरा की, एक और घंटा लगा के. चलो कहाँ पे थे हम? So back to your story of okay. when you came to Australia okay, with okay. your family members. Okay. So जब वो बूश पे इतनी कम सैलरी मिलती थी ना, तो मतलब मेरे को था कि चलो ठीक है, लेकिन वो जो फैमिली मेम्बर थे वो बार बार ऐसे फोर्स करते थे कि
मतलब हमने तेरे को तेरी फीस नहीं देनी है, मतलब मैंने कोई एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मुझे कोई मेरी फीस देगा भी, बट इतना तो चलो एटलीस्ट होता ना कि चल कोई बात नहीं, अगर तेरा कुछ नहीं हो पाता तो विल सी, तो हम वापस कर दियो, विल सी, कोई बात नहीं. बट वो ऐसे कोई सपोर्ट नहीं थी और मैंने कभी मांगी भी नहीं थी. मतलब ये चीज़ को मैं बहुत सेकेंडरी मांगता हूँ, बट ये मैंने इतना कुछ यू नो, चलो कोई बात नहीं, फीस का तो चलो छोड़ो, वो तो कोई चक्कर नहीं है. बट उन्होंने फैमिली मेम्बर्स ने कहा था कि तेरे को एटलीस्ट लाइक वीक का $500 कमाना पड़ेगा, तो तभी तेरी फीस निकलेगी, ऐसा होगी. और हमने तेरे को $1 भी नहीं देना, जो मर्जी कर लियो. मतलब जो स्वीटनेस इंडिया में थी ना, वो मतलब बाहर आके वो कम होने लग गई थी. चलो उसके बाद मैंने एक नाइट की जॉब ढूंढी. नाइट की मतलब वो बंदे के साथ मैं काम करता था, वो सिनेमाज में मैं काम करता था, लाइक कारपेट क्लीनिंग की. तो वो ओवरनाइट काम होता था, तो वो ओवरनाइट में काम में मुझे मतलब यहाँ पे इवेंट सिनेमाज है तो मैं वहाँ पे काम करता था. लाइक मुझे सिर्फ पूरे रात के सिर्फ $70 मिलते थे, $70. How long did you work? कभी लाइक कोई फिक्स टाइम नहीं था, कभी जैसे 8 घंटे, कभी लाइक सिर्फ 4 आवर्स में भी खत्म हो जाती थी. तो लाइक कभी तो लाइक 10 आवर्स भी लग जाते थे, कभी तो लाइक पूरी फुल नाइट, लाइक जैसे रात को 11 बजे जाके सुबह 8 बजे वापस आना. तो वो काफ़ी मतलब मुश्किल टाइम था. और ऐसे वो था कि वो लाइक मतलब एक ना पीछे वैक्यूम होता है, पीछे वैक्यूम लग जाता है, ऐसे बैग जैसे वैक्यूम होता है, प्लग लग जाता है बहुत दूर से, उसका बहुत लंबी वायर होती है, तो उसको वैक्यूम को हर एक सीट के नीचे वैक्यूम करो उसको पूरी ओवरनाइट में. तो मतलब $70 उसके रात को मिलता था, तो करके वो मैं थोड़ा काम करता था. मतलब मुझे ऐसा लगने लग गया था कि मतलब पता नहीं क्या ही हो रहा है यार, मतलब ना ये चलो मेहनत तो हो रही है लेकिन ये कैसी जॉब. मतलब मेरा हमेशा से ये था कि मुझे जॉब की प्रोग्रेशन करनी है, मुझे इस पे रहना नहीं है. तो जब सैलरी ठीक नहीं मिल रही थी, सब कुछ नहीं मिल रही थी, फैमिली से प्रेशर ये था, तू और जॉब ढूंढ, मैंने कहा यार मैं क्या ही करूँ, है ना, मुझे पता नहीं मैं कहाँ जाऊँ क्या करूँ. चलो मैंने जॉब थोड़ी अप्लाई शुरू करने की, मुझे एक रेस्टोरेंट पे जॉब मिली, तो मैंने उसकी भी एक मतलब फोटो भी है, वो मैं अभी वीडियो में डाल देता हूँ. मतलब उससे एक मैंने जॉब ढूंढी थी, उसका $100 मुझे मिला था एक बार पूरे वीक काम करने का. मतलब मैंने उस रेस्टोरेंट में मतलब लाइक 3 or 4 days काम किया था, तो मतलब उसका सिर्फ मेरे को $100 मिला था, क्योंकि कुछ पता ही नहीं था रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, लाइक यू नो क्या कितनी सैलरी होनी चाहिए कितनी नहीं होनी चाहिए, पता ही नहीं था. बट चलो मिल गई. मतलब एक्सप्लॉयटेशन इतनी होती थी मेरी कि मुझे आप ही लगता था यार ये एक्चुअली में ऐसा होता है कि रियल में ऐसा है, पता नहीं मुझे. चलो वो भी छोड़ो, अपना होता रहा काम, होता रहा. मतलब घर से इतना प्रेशर हो गया कि मतलब हमारे टाइम पे तुमने उठना है, हमारा ये करना है, तुमने ये नहीं तो वो नहीं तो ये होगा, ये होगा, यही होगा. मतलब मुझे इतना दिमाग पे प्रेशर होने लग गया था, मैं मेंटली इतना प्रेशराइज हो गया था. मतलब मैं रात को अगर मैं अपने किसी दोस्तों से भी बात करता था तो मतलब अगले दिन कंप्लेंट होती थी घर में कि हाँ ये तो रात को बातें करता अपने दोस्तों से, हाँ ये तो ये ऐसा करता, ये तो ऐसे करता, नहीं तो ये ऐसा करता. तो मुझे था कि यार ये मतलब फ्रेंड से भी ना बात करो, ये भी ना करो, वो भी ना करो, यार ये तो मतलब काफ़ी मतलब जैसे इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी होगी ना. तुम ठीक नहीं लगता था मुझे इतना, अगर मैं डायरेक्टली तुम्हें कहूँ तो धीरे धीरे एक और मतलब मैंने जॉब ढूंढी, कुछ और भी करी. एक बार मुझे एक बेड बाथ एंड टेबल है वहाँ पे भी जॉब मुझे मिली थी. तो मतलब वो मुझे सिर्फ वो क्योंकि वीकेंड पे जॉब नहीं मिलती थी इसलिए मुझे वो ड्रॉप करनी पड़ गई थी, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट. मतलब वो मुझे दे रही थी $700 पर वीक 20 आवर्स का. मतलब इतनी बढ़िया वो जॉब थी, पता नहीं वो मैंने क्यों ड्रॉप की, शायद मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी. तभी मैं लाइक कोई भी यहाँ पे नया स्टूडेंट आता, कुछ भी आता, तो मैं उनको जैसे होता है ना कि मतलब हाँ भाई मैं तेरी हेल्प करूँगा, ये रूल है, ये रेगुलेशन है. मतलब मैं चाहता हूँ कि आज की डेट में जो मैं हूँ अभी यहाँ पे, जितने मेरे को रूल वगैरह सब कुछ पता है, काश मैं जैसे पहले बार आया था मेरे जैसा कोई बंदा मेरे साथ होता कि मुझे कोई सपोर्ट करता कि भाई ऐसे नहीं ऐसे होता, तू इस जॉब से शुरू कर, तेरा पोटेंशियल है, तू ये कर सकता है, जो ये कर सकता है. मतलब उन फैमिली मेम्बर ने मुझे कहा था, मतलब मैं यहाँ पे आके जब गमट्री वगैरह जो जॉब्स की साइट होती है वो मैंने देखी थी ना, मैंने कहा मैं यहाँ पे काम करना चाहता हूँ, मैं नाइकी पे काम करना चाहता हूँ, मैं इस स्टोर पे काम करना चाहता हूँ. उनका जवाब तो था हाँ कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं तेरे को, मतलब इसका क्लीनर का तो है नहीं तेरे को कोई एक्सपीरियंस, या फिर इसका है नहीं तो ये करेगा तू. मतलब ट्राई करने में क्या जाता है. I feel like in Australia there's a lot of dodgy people that hire like internationals, where they basically exploit them a lot, underpay them, and because they don't know anything. बिल्कुल वो तो है. चलो वो भी अब चलो बात खत्म होगी.
Like, how did you, from that stage, how did you get to where you are now? Like, how did you get good jobs? स्टोरी करते हैं शुरू अब उसकी वापस से जो मैं कंटिन्यू कर रहा था. तो बात क्या हुई कि अब मैंने मेरे दिमाग में ये आया कि भाई अब तो मैं मतलब मेरे को जॉब छोड़ने का मन कर रहा है. मतलब अब मैंने जॉब मतलब जो बूस्ट पे करता हूँ वो छोड़ देनी है. ऐसे भाई प्रोग्रेशन नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी. मतलब ठीक है फैमिली की जॉब है बट लेकिन कुछ ना कुछ मुझे वॉइस अपनी रेज करनी पड़ेगी. मतलब मैं इतना दब के नहीं रह सकता उस घर में. मतलब मैं अपने आप को दबा रहा था उस घर में और ही दबाया जा रहा था, अपने आप को ही डाउन कर रहा था. मतलब मेरा कैलिबर इतना डाउन हो गया था वहाँ पे कि मतलब मुझे आप ही नहीं पता लगता था कि मैं कर रहा हूँ क्या कह रहा हूँ. मेंटल प्रेशर इतना होता था, इतना स्ट्रेस होता था मेरे ऊपर कि मुझे नहीं पता लगता था भाई. तो चलो वहाँ से भी निकले अभी. मतलब मैंने घर वालों को कह दिया, उनको जो फैमिली मेम्बर्स है वो, मैंने कहा भाई मैं नहीं कर सकता जॉब, मुझे और कोई जॉब मिल गई है तो मैं नहीं कर सकता. तो वो एक्चुअली मुझे कोई सेल्स की जॉब मिली थी. वो सेल्स की जॉब होती थी लाइक सुबह 8 o'clock तो लेके शाम के 5 बजे तक की, 5 o'clock तक की. मुझे काफ़ी अच्छी, उसमें सीखने को तो बहुत कुछ मिला था. लेकिन उसकी भी मैं स्टोरी बताता हूँ. वो बंदा डॉजी निकला. उसने मतलब मेरी अभी भी उसकी जो सैलरी थी मेरी 2,000 to 3,000 dollars की मेरी सैलरी बनी थी, उसने मुझे आज तक पे नहीं किया. मुझे आज तक पे नहीं मिले उसके. जब मेरे को लास्ट दिन पे पता लगा था कि ये तो बंदा अभी भी तक पे नहीं कर रहा, जब मैंने वो जॉब छोड़ी तो मतलब मेरे को इतना मैं शॉक में चला गया यार, ये तो मैंने अपना भूस भी छोड़ दिया. मैं ना यहाँ कर रहा, मैं ना वहाँ कर रहा, मैं करूँगा क्या? मतलब पता नहीं लग रहा था मैं क्या करूँ. वो इतना गंदा फेस था मेरा. ओके तो मैंने क्या किया, मैंने थोड़े रेज्यूमेज अपने बना के, जैसे मर्जी अपने हिसाब से बना के, मैंने जैसे कालटेक्स वगैरह या फिर यहाँ पे ना जैसे पेट्रोल स्टेशन पे वहाँ पे अप्लाई करना शुरू किया. तो मुझे लकीली मतलब एक बंदे को, एक पेट्रोल स्टेशन पे ग्लेनब्रुक में है, मतलब एक कालटेक्स है वहाँ पे, उनको बहुत डेस्परेटली एक बंदा चाहिए था. तो मैंने वहाँ पे अप्लाई किया और मैं अप्रूव हो गया. उन्होंने मुझे जैसे क्वेश्चन वगैरह पूछे, मैं अप्रूव हो गया, मेरी वहाँ पे जॉब लग गई. तो अब क्या होता था कि मतलब वो जो अभी सेल्स वाली जॉब अभी वो चल भी रही थी, अभी ख़त्म मैंने छोड़ी नहीं थी, लेकिन जब ही अब मेरी छुट्टियां शुरू हो गई थी तो मतलब मैं सुबह को, मतलब यूनी वगैरह अब सब ख़त्म हो गई थी, यूनी वगैरह जब इस टाइम तक सब ख़त्म हो गई थी मेरी, कि जिस टाइम तक मैं ये चीज़ को सह रहा था या फिर जॉब ढूंढ रहा था. छुट्टियों में मैंने कालटेक्स पे जॉब ढूंढ ली थी, ठीक है, 8 बजे से लेके, सुबह से लेके शाम के 5 बजे तक मैं सेल्स की जॉब करता था सिटी में, सिडनी सिटी में. अभी तो अगर वो भी ढूंढ लोगे अपना क्या कहते हैं उसको गूगल मैप्स पे, अगर देखोगे सिडनी CBD अगर मैं सर्च करोगे, वहाँ से ब्लू माउंटेन्स तक का रास्ता देखोगे तो इतना वो ट्रैवल डिस्टेंस देख लूँगा कि मैं रोज़ ट्रैवल करता था सिडनी सिटी से. मैंने वहाँ पे रोज़ ट्रैवल करना कि रात को, मतलब घर जाने का कई बार टाइम नहीं मिलता था. एक बार तो मैं 3 दिन के लिए घर पर नहीं गया था. कालटेक्स पे जॉब शुरू की, सारा वो किया शुरू किया. अब पढ़ाई का प्रेशर जो इतना था, मतलब मेरे को फैमिली से प्रेशर होता था कि हाँ इसको तो ये नहीं करना आता, ये तो टफर है, ये तो वो है, मतलब वो है, मतलब ताने भी सुनो, जॉब भी नहीं है, कुछ बताना भी नहीं है, मतलब खाने को भी इतना कुछ अच्छा नहीं मिलता, खाने को भी इतना कुछ अच्छा नहीं था, ठीक है. बाद में अब सेल्स की जॉब तो ये ख़त्म होगी ना, तो पढ़ाई में मैं थोड़ा रह गया, पढ़ाई में मैं थोड़ा रहूँगी. घर से प्रेशर इतना था यार, मतलब मैं पढ़ूँ, मैं जॉब ढूंढूं कि मैं, मतलब मैं तुम्हारे ताने खाऊं. मतलब जॉब ढूंढना इज ऑल राइट, वो ठीक है, जॉब ढूंढना वो बिल्कुल लेजिट चीज़ है, वो ढूंढनी ढूंढनी है. बट घर से भी इतना प्रेशर आ रहा है, कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहा, तो मैं क्या करूं ना. मतलब मेरा ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं, मैं 2 subjects में फेल हो गया था. पहले सेमेस्टर में 2 subjects में मैं फेल हो गया था. वो थे बिजनेस लॉ था और स्टैट्स था. स्टैट्स के यूनिट में, इकोनॉमिक्स के यूनिट में मैं फेल हो गया था, ठीक है. चलो अब वो घर पे इतना प्रेशर है, मैं मतलब घर में भी मैं घबरा रहा था यार, मैं घर में कैसे बताऊंगा कि भाई मैं फेल हो गया, ये हो गया, ऐसा हो गया. मतलब वो जब फेल हुआ था मैं, मेरा मेंटल प्रेशर अगर यहाँ पे था वो काफ़ी ऊंचा लेवल पे चला गया था. मतलब मेरे को लग नहीं रहा, मैं कहा यार मैं क्या करूँगा. एक दिन तो मैं फेंट होने वाला था भाई, क्या करूँगा मैं, क्या करूँगा मैं, क्या करूँगा. जॉब करते रहे छुट्टियों में, मतलब एक और मतलब जॉब लग गई. मतलब सुबह सेल्स की जॉब करते थे, शाम को कालटेक्स होता था. अब कालटेक्स का क्या है कि वहाँ पे रात को जो 12 रात की जो लास्ट ट्रेन जो सिटी को आती थी, मेरे घर की तरफ आती थी, वो 12 बजे ख़त्म हो जाती थी और मेरी जॉब ही 12:30 ख़त्म होती थी. 12:30 जॉब ख़त्म हो गई नहीं, अब ट्रेन मेरे पास है नहीं है घर जाने को, तो मैं क्या करूँगा. सुबह जो नेक्स्ट ट्रेन चलती थी वो सुबह के 4 बजे या 4:30 बजे चलती थी.
अब उसमें मैं वापस आता था, अगर मैं वापस अपना क्या कहते हैं घर की तरफ आता भी था तो मतलब मुझे सिर्फ घंटा या आधा घंटा ही मिलता था सोने को। तो घर भी मतलब जैसे क्यों ही आऊँ ना, मतलब फिर मैं तो चलो एक टाइम पे फिर वो सब कुछ सेट वगैरह सब कुछ बैठ गया है ना कि मतलब मुझे जैसे मैकडोनल्ड्स पे भी जॉब मिल गई छुट्टियों में एंड लाइक कार्टेक्स भी शुरू हो गया एंड लाइक मतलब सेल्स की जॉब भी होती थी। चलो वो तो बाद में मैंने जैसे छोड़ दी थी, कोई बात नहीं है। तो फिर उसका ही मतलब ये चक्कर होता था कि यार मैं मतलब क्या ही अब मतलब मैं करूंगा कि मतलब सब कुछ चल रहा है, मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है। तो क्या होता है कि ना एक दिन अब जैसे क्या कहते हैं मेरे ना घर वालों को पता लग गया कि एग्जाम्स के रिजल्ट आ गए, उनको पता लग गया एग्जाम के रिजल्ट आ गए। तो मैं अपने आप को उस टाइम पे थोड़ा कवर अप कर चुका था कि चलो कोई बात नहीं, अब हो गया तो हो गया, तो फिर से कर लियो अपने आप पे, कोई नहीं भरोसा रख अपने आप पे। मतलब मैंने अपने आप को ओवरकम कर लिया था, थोड़ा हो गया था अपना ठीक है। घर वाले आते हैं दोनों, तेरा पेपर के मतलब आ गया एक दिन रैंडमली घर पे आके तेरा रिजल्ट आ गया। मैंने कहा पता नहीं, मुझे अंदर से तो पता था मुझे कि मेरा रिजल्ट तो आ गया हुआ, कहते मैंने कहा मेरे को पता नहीं, मैं स्ट्रेस फिर से स्ट्रेस में हो गया था क्योंकि मुझे पता कि मैं किस टाइम से निकल रहा था, मैंने पहले किस टाइम से निकला हूँ और उनको भी अपनी मिस्टेक रियलाइज नहीं हो रही थी कि हम इसके ऊपर कितना हार्श हो रहे हैं। और मैं भी कुछ बोल नहीं सकता था क्योंकि वो उनका घर था, मैं कुछ बोल भी नहीं सकता था। तो फिर मतलब उनको पता लग गया, जैसे मार्क्स वगैरह देखे ना उनको पता लग गया, जैसे उन्होंने रिजल्ट देखा कि मैं फेल हूं, तुम मान सकते हो उन्होंने थप्पड़ मारा मुझे। और उन्होंने ये बात उन्होंने मेरे को मुंह पे बोली थी कि गालियां, गंदी से गंदी गालियां निकाल के, हर मतलब मैं गालियां बोलूंगा नहीं बट गंदी से गंदी गालियां निकाल के भी उन्होंने मतलब मुझे ये बोला था कि तू ये है, तू वो है, तू ऐसा है, तू वैसा है। तो मान सकती हो मेरा जो बैग मैं यूनी में लेके जाता था, कहते तू दिखा तू कौन से नशे करता, तू दिखा तू हमें कौन से नशे करता, ये करता। मैं क्या करता हूँ भाई, मैं तो कुछ भी नहीं करता, मैं दारू के ऊपर मैंने कुछ पिया ही नहीं आज तक, है ना मैं सिगरेट फूकता हूँ ना कुछ मैं करता हूँ, ठीक है। उन्होंने मतलब मेरा पूरा बैग जैसे पलटी कर दिया, पलट दिया मतलब मेरा पूरा बैग, और कहते हैं कि लाइक दिखा तू क्या नशे करता, तू क्या करता है, तू ऐसा रहता तू वैसा रहता है। मतलब वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये मेरा मेंटल प्रेशर था, मेंटल मेरा डिप्रेशन था जिसके हिसाब से मैं इतना लो अपनी फैमिली में रहता था, मैं कुछ बोल नहीं पाता था, ऐसा वो मेरा मेंटल प्रेशर था, वो समझ नहीं पाए। गालियां खाते खाते उन्होंने जी मेरा फोन पकड़ लिया, फोन पकड़ के मतलब मेरा पूरा फोन चेक किया कि हाँ ये इसके फोन में किससे बात करता है, किसको फॉलो किया हुआ है, किसको नहीं किया हुआ है, व्हाट्सएप पूरा चेक करेंगे, फेसबुक चेक करेंगे, मैसेंजर पूरा चेक किया, मतलब फोन पूरा चेक किया। मैंने पहले कहा मैंने कि भाई नहीं मतलब मेरी कोई प्राइवेट चीजें भी होती हैं, मैंने नहीं दिखाना फोन। कहते कोई नहीं मैं बाहर से अनलॉक कराऊंगा। मैं डर गया थोड़ा, मैंने कहा यार अब मेरे पास फोन नहीं होगा तो उन्होंने फोन छीन लिया मेरे से। मतलब इस टाइम पे अगर वो करते ना, अगर वो घर वाला कोई मेंबर अगर इस टाइम पे वो करता तो मैं कहता हाँ भाई करके दिखा, तो मेरा फोन कैसे ले रहा है, तो लेके दिखा, मैं बोलता मतलब उसके सामने बोलता। बट चलो उस टाइम पे पता नहीं थी, नॉलेज इतनी नहीं थी, अब घर में सबको जैसे कोई बोलता ही नहीं था मेरे से, जैसे कोई बात ही नहीं करता था ना, कोई कुछ ऐसे नहीं करता था। मतलब जो सिचुएशन से मैं ओवरकम हुआ था वो थोड़ा वो और ही वर्स हो गई, वो डबल वर्स हो गई। तो मेरे को उस रात को ऐसा हुआ कि यार मैं घर छोड़ के जा रहा हूं, मैं मतलब घर छोड़ के निकल रहा हूं, मैं मुझसे इस प्रेशर में रहा नहीं जा रहा। मैं दो दिन के लिए घर छोड़ के भाग गया, मैं घर छोड़ के भाग गया कि भाई मुझे इतना मेंटल प्रेशर हो रहा है मैं नहीं सह सकता, मैं निकल रहा हूँ यहाँ पे। मुझे पता था मैं किसके थ्रू जा रहा हूँ, मुझे पता था। तो उन्होंने पता नहीं किस बात पे ये बात अपने आप ही बनाई थी कि हाँ तू अगर ये नहीं करेगा ना तो हमारी बातें नहीं करेगा तो हम जैसे पुलिस के ऊपर तेरी रिपोर्ट करा देंगे, हम पुलिस को ये रिपोर्ट करेंगे कि तू हमारे ऊपर मेंटल प्रेशर डाल रहा है। मतलब मेरी बात ही मेरे ऊपर ऐसे करते थे कि मुझे अगर पता होता कि यहाँ पे स्टूडेंट सर्विसेज के बाद स्टूडेंट काउंसिल के पास अगर मैं जाता कि मेरी फैमिली ऐसे कर रही है तो वो तो दो मिनट में एक्शन ले लेता कि बंदा इतने मेंटल स्ट्रेस में जा रहा है, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, वो भी टाइम था, सब कुछ गया। मेरे को मैं जब रात की वो क्लीनिंग वगैरह वाली जॉब करता था तो मैंने क्या किया एक दिन में मुझे ऐसा लगा कि यार मैं इतना ज्यादा मेंटली मैं स्ट्रेस हो गया हूँ, मुझे अपने लिए थोड़ा टाइम चाहिए। मतलब हर चीज जो मैं करता था वो उल्टी जाती थी, ठीक है।
तो मैंने एक दिन जॉब के बहाने मैंने कहा दादी को, मैंने कहा यार मेरे को कुछ, मेरे को अगर ठीक देखना है तो मुझे आज बाहर जाने दो, कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता कुछ, जो मर्जी झूठ बोल दो, जो मर्जी, मुझे बाहर जाना आज, मैं ऐसे ऐसे प्रेशर में नहीं रह सकता। उन्होंने कहा चलो ठीक है, तो कोई नहीं, तो कोई ना, तू जा, मैं देख लूंगी, मैं संभाल लूंगी सब कुछ। तो मैं गया, मैं बाहर गया, मतलब वहां से क्या कहते हैं, थोड़ा बाहर निकला, घर से बाहर निकला, पार्टी वगैरह की, ये की, वो की, पता नहीं कैसे ना कैसे उनको वो पार्टी फोटोग्राफर्स नहीं होते हैं, वो फोटोग्राफर्स फेसबुक वगैरह पे फोटोज डालते हैं, तो उनको मतलब मेरे फ्रेंड्स के साथ मेरी फोटो मिल गई ना, गंदे मतलब मेरे को कमेंट दिया कि ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, ये झूठ बोल के जाता है, ये करता है वो। चलो एक्सेप्ट कि झूठ बोल के गया, बट देखो भी ना किस सिचुएशन के लिए मैं गया, उस सिचुएशन के लिए मैं गया। कभी किसी ने मेरे से आके पूछा नहीं कि मतलब तू ठीक है, तू ज्यादा डिप्रेस तो नहीं है, तू तेरी हेल्थ तो ठीक है, तू मतलब सही तो कर रहा है, मतलब किसी ने भी मेरे से वो ये बात मेरे से पूछी नहीं, किसी ने, किसी ने भी नहीं पूछी ये बात मुझसे। चलो ये सब कुछ अगर ये प्रेशर होते होते ना, तो मतलब एक दिन वो आता है कि वो मुझे कहते हैं कि तू ना ऐसा कर, तू घर छोड़ के निकल जा। रैंडमली एक दिन बंदा आता है मेरे पास, मुझे कहता है तू घर छोड़ के निकल जा, तू दो दिन में घर से निकल जा, तू घर दिन घर से बाहर निकल जा। मैं को पता नहीं यार, मेरे को, मैं कहीं अपने आप कहीं गया नहीं बाहर, मुझे ना कोई घर पता, ना कुछ, मतलब मैं घर में बहुत देर से ढूंढ रहा था कि कौन सा जाऊंगा, कहां पे लूंगा, क्योंकि मुझे मूव आउट करना था भाई, मुझे किसी ना किसी तरह मूव आउट करना था, क्योंकि मैं इस प्रेशर में नहीं रह सकता था। अगर मैं प्रेशर फ्री होता तो मे बी मेरी इस टाइम तक बहुत बेटर जॉब लग जाती, तो मैं उस टाइम पे तो कुछ बेटर कर लेता, शायद पढ़ाई में थोड़े अच्छे ग्रेड आ जाते, बट वो प्रेशर के करके इतना था। मैं घर से बाहर निकाल दिया, उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया। तो जब घर से बाहर निकाला, चलो अपना मेरे घर वाले तो मतलब जो मेरे दादी वगैरह वो तो बहुत रोए कि मतलब यार वो घर से बाहर निकल रहा है ऐसा कर रहा। तो मैंने सिटी में घर ढूंढा, मैंने यहाँ पे अभी ये तो थर्ड मेरा घर है सिटी में, तो मतलब इससे पहले मैंने एक घर में रहता था, चिपनडेल में रहता था मैं, तो वहां पे मैंने घर ढूंढा कि चलो भाई यहाँ पे रहते हैं। और उस दिन बिजार थिंग ये थी कि उसी रात को 9 बजे मेरी एक असाइनमेंट ड्यू थी, 9 o'clock रात को, और 6 बजे मैं मूव कर रहा हूँ, अभी 7:30 बजे मैं घर में आया और असाइनमेंट अभी आधी भी नहीं हुई है। और फटाफट मैंने असाइनमेंट की, कुछ किया, मैंने सब कुछ खत्म किया। अच्छा वैसे पार्टी वाली बात अगर जब कवर अप कर दो ना, जब पार्टी भी गए थे उनको, जब फोटोज वगैरह मिल गई थी, नेक्स्ट दिन, बिल्कुल नेक्स्ट दिन वो फैमिली का बंदा टेबल किचन की बेंच टॉप पे बैठा था, मुझे कहता तूने पार्टी करनी है, ये करनी है, वो करना, मतलब है फ्रेंड की है पार्टी वगैरह कुछ थी वहां पे, वो फ्रेंड सब कुछ पे कर रहा था, तो इसमें ये पैसे लगते हैं, इसमें वो पैसे लगते हैं, तेरी औकात है, तेरी ये है, तेरा वो है, मतलब उन्होंने मेरा बैंक का अकाउंट पासवर्ड मांग लिया था, बैंक का अकाउंट पासवर्ड, मतलब इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी देखो तुम किस लेवल पे पहुंच गया। उन्होंने बैंक का तक पासवर्ड मांग लिया, मेरे सारे पैसे ले लिए उन्होंने, जितने बैंक में मेरे पैसे थे सारे के सारे पैसे ले लिए, $5,000 ले लिया उन्होंने मेरा, ठीक है। चलो अब जब मूव करके नए घर में, मतलब उन्होंने पहले पहले बहुत बताया था कि हाँ तेरे को हम ये देंगे, तेरे को तकिया इस तरह सब कुछ देके अगर घर से मतलब भेजेंगे भी कहीं और रहने जाएगा तो मतलब देखो पूरा देंगे, एक चम्मच तक नहीं दिया था मुझे। मैं उस रात, मुझे पता कि नए घर में मैं कैसे एडजस्ट हुआ, मैं कारपेट पे सो रहा था उस दिन, ठंड का महीना, मई का महीना, मई में यहाँ पे थोड़ी ठंड होती है, तो मई का महीना मैं यहाँ पे कारपेट पे सो रहा हूं, विदाउट एनी पिलो, विदाउट एनी कंबल, कोई गद्दा नहीं, कारपेट पे सिरा सो रहा हूं मैं, कारपेट पे मैं सो के मैंने पूरी डाक निकाली वहां पे। अगले दिन गए, जितने बच्चे कुचे पैसे थे मेरे पास, 2-3 हजार जितने भी थे मेरे पास, उससे मैंने चलो अपना घर का सामान लिया, गद्दे लिए, चलो सब कुछ सामान लिया, अपने प्लेट्स वगैरह जितना भी कुछ लेना था सामान, ग्रोसरी खाने की ये वो ले लिया मैंने, करना शुरू किया। पैसे इतने कम हो गए बैंक अकाउंट में, तो मेरे को वरी होने लग गया कि यार अगले 3 महीने में फीस देनी है, मतलब मैं दूंगा कैसे, कैसे दूंगा भाई, कोई जॉब नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मतलब नए एरिया में भी मूव कर गया हूँ, इतनी दूर से यहाँ पे सिटी में आ गया हूँ, कुछ जॉब भी अगर नहीं है तो मैं करूंगा क्या, कार्टेक्स मुझे छोड़ना पड़ा था, जैसे मर्जी करके मुझे छोड़ना पड़ गया था। ऑलमोस्ट 3 महीने रह गए थे, 3 महीने रह गया, मैं क्या करूं, कैसे करूं, कब करूं, कुछ नहीं पता मुझे, ठीक है। मुझे एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में जॉब मिली, डार्लिंग हार्बर पे एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट का नाम नहीं लूंगा, वहां पे मुझे थोड़ी एक जॉब मिली करने को, तो वो जॉब मैंने चलो शुरू की,
थोड़ा किया, थोड़े बहुत पैसे बनते थे वहां से. मतलब मैं जो 8 महीने पहले मैं जॉब से कमाता था, मैं उसी जॉब के ऊपर मैं वापस आ गया. मेरी प्रोग्रेशन नहीं हुई, मैं उसी लेवल पे वापस आ गया. प्रोग्रेशन होनी स्टार्ट हुई थी, वापस मैं डाउन आ गया. वही 200-300 वगैरह, वही दे के इतने पैसे मिलने, सब कुछ ये होना. मैं पूरा स्ट्रेस, मैं कहा भाई पैसे 2.5 महीने में 3 महीने में देने, मैं करूंगा कैसे करूंगा. वो इवेंचुअली बात इतनी बिगड़ गई कि मुझे उस रेस्टोरेंट से भी निकाल दिया. मतलब मेरा धज्जियां उड़ गई मेरे दिमाग की. मतलब मैंने कहा यार मेरे को एक जो जॉब मसा मसा मिली थी मेरे को उससे भी निकाल दिया. मतलब मेरा इतना गंदा लक चल रहा था उस टाइम पे, इतना मतलब गंदा टाइम था. अब मेरे को इतना हो गया था कि मैं यार रेंट के पैसे कहां से भरूंगा, रेंट के पैसे भरने नहीं जा रहे, तुमसे फीस में दे दूंगा, कैसे होगा भाई. तो सिटीज में छोटी छोटी साइकिल्स घूमती है ना, सिटी में छोटी छोटी जो साइकिल्स जो ऑरेंज कलर की येलो कलर की होती है, छोटी छोटी होती है, वो से जैसे $1 पर डे के लिए बुक हो जाती है. तो मैं क्या करता था, छुट्टियों का टाइम था तो मैं वो साइकिल बुक करके मैं ऊबर करता था उस साइकिल पे. मतलब उस साइकिल में गियर भी नहीं है ना इलेक्ट्रिक बाइक है, सिर्फ नॉर्मल साइकिल, बिल्कुल नॉर्मल साइकिल, उसके ऊपर मैं ऊबर करता था. उस पर ऊबर चलाई मैंने, ऊबर चला चला के, लेकिन कुछ पता नहीं होता था चलाई कैसे है, कैसा होगा काम. मतलब है ना, मतलब उस पर मसा से मसा मैक्स टू मैक्स मैंने $50-60 पर डे के बनते थे. कहा भाई यार ये क्या करेंगे क्या इसके ऊपर, मतलब कुछ पता लग ही नहीं रहा. तो मैंने लाइफ का वर्स्ट डिसीजन लिया, मतलब वो वर्स्ट डिसीजन ही अच्छा डिसीजन पे मतलब आके निकला. मैंने गैम्बलिंग शुरू कर दी, कैसीनो, स्टार कैसीनो है वहां पे गैम्बलिंग शुरू कर दी. जितना भी $50 वहां से कमाए, एक बार मैंने गैम्बलिंग पे लगाए थे, मेरे को मतलब $300 जीत गया था. $300 दो बार जीता मैं. तो मैंने कहा ठीक है रोज $50 कमाएंगे, $200 कैसीनो गैम्बलिंग से करेंगे, वापस आ जाएंगे, काम बन जाएगा. दो बार जीता, उसके बाद हारता ही गया. अकाउंट इतना मेरा लो पे चला गया था, इतना लो अकाउंट चला गया था. अब जो मेन बात यहाँ पे हुई, पता नहीं वो मतलब कहते ना कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, रब होता है, सब कुछ होता है, मतलब वो चीज मेरे साथ हुई. मैं डिप्रेशन में आके मैं इतना रोया उस टाइम पे, मैं इतना रोया, मुझे अभी तक वो टाइम याद है, इतना मैं रोया उस टाइम पे. मैंने मेरे पास ना $100 के चिप्स थे, 50-50 के दो थे. मतलब रूल में क्या होता है, तीन ऐसे नीचे लाइंस बनी होती है, उस पर डबल अमाउंट मिलता है, लेकिन अगर नंबर्स पे खेलो उस पर 36 टाइम्स ज्यादा मिलता है. तो मैंने एक कॉइन उसका नंबर 2 पे रख दिया, एक कॉइन पता नहीं मैं नशे में था ड्रंक था, मैंने 36 पे रख दिया और 36 नंबर आ गया. मान सकती है लक, ये लक मेरा निकला कि वो जो 36 पे मैंने गलती से ड्रंक होकर निकल दिया उसी पे आया. सब लोग मेरे को देख रहे हैं कि इसका 36 पे $50 का लग गया बैट. मुझे वापस $1,850 मिला, $1,850 मुझे वापस मिला. तो मैं कहा यार अब लोग कहते हैं ना कि चलो अब इससे और खेलते हैं. मतलब मैंने और नहीं खेला, मैंने वो पैसे कैश कराए, मैं निकल गया वहां से साथ में. अब मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे कहा था तो स्कूटर ले ले, स्कूटर पे ऊबर थोड़ी बढ़िया होगी. मैंने कहा साइकिल पे हो नहीं रही यार, इस पे कैसे हो जाएगी. मैंने कहा अब लास्ट चॉइस रह गई है, ये भी ट्राई करके देख लेते हैं. स्कूटर का बॉन्ड भरा मैंने उस पैसों से, 500 का मैंने स्कूटर का बॉन्ड भरा और 150 पर वीक की उसकी वो होती थी, क्या कहते हैं, पेमेंट होती थी 150 पर वीक की उसकी रेंट की प्राइस स्कूटर की. पहले दिन स्कूटर चलाया $80, दूसरे दिन चलाया, मतलब उसका मुझे हैंग पता लग गया कि हाँ स्कूटर ऐसे चलाना ऊपर में, ऐसे चलाना, ऐसे करना. जब उसका पूरा हैंग हो गया ना कि हाँ ऊबर ऐसे चलानी है, पहली बार मेरी जिंदगी में पहली बार ऊबर से $120 बने, $120 मेरे पहली बार ऊबर से बने. मैं उसको बाद चलाई गया 150, कभी 200, कभी 170, कभी 180, छुट्टियों में चलाता ही गया मैं. मतलब बारिश हो, तूफान हो, हवा चल रही है, जो मर्जी हो रहा है काम करना है. मतलब मेरा बर्थडे होता है 12 जून को, बर्थडे होता है 12 जून को, 11 जून की रात को बारिश हो रही है, मैं बारिश में काम कर रहा हूं. वहां पे लोगों की बर्थडे कॉल हो रहे हैं, मेरे को यहां से डिलीवरी आ रही, भाई मेरे को डिलीवरी करने जानी है. और मेरे को वहां पे रोना भी आ गया थोड़ा कि यार ये मेरा ये बर्थडे है मेरा,
इंडिया में होता था कि चलो कभी दोस्तों के साथ घूमने चले गए, कभी ये हो गया, यार ये बर्थडे है मेरा, क्या ही मतलब क्या ही हो रहा है मेरे साथ, है ना। तो मतलब चलो वो डाउन किया थोड़ा मैंने भी अपने, ऐसे मेरा एक चीज होती थी मैं अपने आप को शाबाशी देता था, मैं कहा चल कोई नहीं तू, कोई नहीं तू कर कोई नहीं, तेरा टाइम भी आएगा, मेरा टाइम भी आएगा। उस टाइम पे मैंने कहा था मेरा टाइम आएगा, कोई बात नहीं, मैं उभर करता गया। लास्ट का हफ्ता रह गया था मेरे को 12,000 की कितने की फीस देनी थी, मेरा सिर्फ $1,100 रह गया था। और मुझे मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने कहा मैंने इतनी मेहनत की है, मतलब पैसे अब जमा भी हुए हैं, रेंट भी निकल गया, सब कुछ हो गया, ये इतनी एक अमाउंट रह गई, शायद मुझे अगर एक वीक और मिल जाता तो मतलब मैं थोड़ा बढ़िया कर सकता था। मैं उस टाइम पे भी फिर से डिप्रेशन में हो गया, मैं कहा यार अभी फिर से बह गया, अब कौन पैसे देगा। मैंने कॉलेज को फोन लगाया, मैंने कहा देखो यार मेरी ऐसी फीस रह गई है, मतलब मैं अभी नहीं पे कर सकता, कल को कुछ कोई सलूशन है। और कॉलेज ने मेरी सुन ली, मैं तो ग्रेड उस टाइम पे अच्छे आने शुरू हो गए थे, मतलब ग्रेड अच्छे, मतलब जैसे डिस्टिंक्शन वगैरह होती है ना वो आने शुरू हो गई थी। कॉलेज ने मुझे एक्सटेंशन दे दी, उन्होंने कहा कोई बात नहीं तू सेंसस डेट तक पे करती हो। मैंने कहा था बात बन गई, मैंने कहा भाई बात बन गई यहाँ पर, तो मैंने कहा अब आगे से करते हैं। उस मैंने हफ्ते में मैं वैसे नहीं किया चलो सेंसस डेट तो अभी 2-3 हफ्ते के बाद आराम से देंगे, मैंने उसी अगले दिन उसी मोमेंट मैंने कहा ये मुझे चांस मिला मैं गवाऊंगा नहीं, मैं 3 हफ्ते और काम करूंगा। मैंने फीस तो निकाल ली, उससे एक्स्ट्रा भी अपनी इनकम निकाल ली, इतना मतलब वो हुआ कि मैंने उससे थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम भी अपनी निकाल ली। तो उस टाइम पे मुझे थोड़ा अपने ऊपर जैसे ना जैसे प्राउड फील हुआ कि मतलब यार मतलब मैंने अपनी पहली फीस अपने आप दे दी। मैं इतना खुश था उस टाइम पे, इतना ज्यादा खुश था, मैंने कहा भाई पहली फीस दे दी अपने आप को। तो बच्चे कोचे के दो मतलब $1,500 से $2,000 और थे, तो मेरे यार दोस्त वगैरह जो दूसरे दोस्त हैं मतलब वो कहते हैं चलो गोल्ड कोस्ट जाएंगे ये जाएंगे, पुरानी इंस्टाग्राम पे फोटो देखना मेरी गोल्ड कोस्ट में मैंने डाली हुई है कि गोल्ड कोस्ट में जाएंगे ये करेंगे वो करेंगे। अब जो बिजार थिंग है यहाँ पे कि जो मेरा नंबर था ना फोन नंबर था वो फैमिली मेंबर्स के अभी घर उनके नाम पे रजिस्टर्ड था, तो SMS जो भी रोमिंग का होता वो मुझे भी आता था वो उनको भी जाता था, क्योंकि ऑफकोर्स मतलब पता लगता ना बिल कहाँ पे आ रहा है, मतलब क्या किस चीज पे कहाँ पे जा रहा है। मजा इस बात पे आया कि मतलब फीस जब निकल भी गई उन्होंने देख भी लिया कि ये बंदा गोल्ड कोस्ट गया हुआ, और उन्होंने मुझे ये बात कही थी तू इंडिया वापस जाएगा, जब मैं फेल हुआ था ना उन्होंने मुझे बात कही तू इंडिया वापस जाएगा तेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, ये आप मैंने बात उनको प्रूव कर दी थी, देख ले ये मैं यहाँ पे खड़ा हूं, अगर मैं ये चीज कर सकता हूं मैं और क्या क्या नहीं कर सकता तो मुझे बता दो। अगर मेरा इतना पोटेंशियल उस टाइम पे मुझे अपने पोटेंशियल का रियलाइजेशन हो गई थी कि हाँ भाई ये मेरा पोटेंशियल है, मेरा पोटेंशियल कहाँ तक जा सकता है अगर मैं बारिशों में भी काम कर लेता हूँ, इतनी ज्यादा बारिशों में पूरा गिल्ला होके 4-5 घंटे काम कर लेता हूँ, अगर मैं इतना ज्यादा हार्ड वर्क कर सकता हूँ, अगर मैं पूरी पूरी रात थिएटर को साफ कर सकता हूँ, इतना मेरे में फिजिकल स्ट्रेंथ है जो रब ने चलो देती है फिजिकल स्ट्रेंथ है, तो मैं क्यों आगे क्यों नहीं कर सकता। मैंने और जोर लगाया, वहां से वापस आके मतलब मैंने अपनी बाइक ली, पहली बाइक ली अपनी, मतलब रेंट वाला स्कूटर वो वापस कर दिया, पहली बाइक ली अपनी, बाइक लेके बाइक पे चलो काम शुरू किया। तो फिर मैंने कहा कि ये मे बी ऊबर नहीं करना चाहिए, तो मैंने उसके बाद एक परमानेंट जॉब ढूंढनी शुरू की। मैं एक दिन ऐसे ही बस जॉब सीकर पे बैठा हुआ था तो मेरे को एक पिज्जा शॉप पे जॉब मिली डिलीवरी ड्राइवर की, तो वो मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया, तो वो स्टोर नया नया खुल रहा था, तो उस बंदे ने कहा तू आ जा तू इंटरव्यू के लिए आ जा, उसने मतलब मेरे से स्कूटर चलवाया, कहता स्कूटर चलाना आता है, मैंने कहा भाई पिछले 3 महीने से स्कूटर नहीं चला रहा, कहता तू चला के देखा। तो जिसने बंदे ने मेरा वो टेस्ट लिया था कि स्कूटर चलाना आता है, कहने कि मैंने उसका पीछे छोड़ दिया था। तो पिज्जा शॉप पे जॉब मिली, ये हुआ, और मतलब छुट्टियों में मतलब मेन मेरा ज़्यादा काम होता था जब मेन कॉलेज वगैरह होता था उसमें, मतलब नॉर्मली इसी आर्ट्स में काम करते थे, तो वो करना शुरू किया कॉलेज मतलब पिज्ज़ा शॉप पे करना शुरू किया, सारा कुछ ये करना शुरू किया, नॉर्मली चल नॉर्मल स्टेबल लाइफ हो गई थोड़ी शुरू होगी। उसके बाद मेरे को ये रियलाइजेशन हुई कि भाई
मे बी मैं पिज्जा शॉप के लिए नहीं बना, मतलब एक साल मैंने काम किया वहाँ पे और एम्प्लॉयर भी वहाँ का बहुत अच्छा, वो वन ऑफ द मेरा बेस्ट एम्प्लॉयर था, वन ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉयर था मेरा वो, मतलब उसकी नेचर बहुत बढ़िया थी। तो उसके बाद मेरे को लगा कि मुझे शायद ड्रॉप कर देनी चाहिए ये जॉब, क्योंकि मुझे अपना करियर प्रोग्रेशन देखना है, मुझे आगे थोड़ा जाना है, कि मतलब मुझे अब थोड़ा ड्रॉप कर देना चाहिए। ठीक है, अभी ये थोड़ी पिछले दिसंबर की बात, पिछले अभी ये पास दिसंबर की बात थी, मैंने कहा चलो अब थोड़ा जॉब अपना चेंज करते हैं। क्रिसमस कैजुअल की यहाँ पे जॉब होती है, तो मैंने एक कॉटन ऑन कंपनी थी वहाँ पे मैंने जॉब अप्लाई की। मैंने कहा चलो कोई नहीं, रिस्क लेके देखते हैं हर चीज, मतलब आई बिलीव, मेरे को ये बहुत स्ट्रांगली बिलीव है कि एक कोई फोर्स है जो मतलब वो लाइक सम बोलते हैं ना, समथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न, मतलब मेरे साथ वो हमेशा वो ही हुआ, हमेशा ही वो हुआ। कोविड हुआ तो मुझे ये जॉब मिल गई, मतलब वो वहाँ से निकाला तो मुझे ये जॉब मिल गई, मतलब वो कोई इट हैपन्स फॉर अ रीज़न, वो होता है वो, और ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो मैंने पिज्ज़ा शॉप छोड़ा, मैंने कहा चलो वो अब क्लोथिंग कंपनी ज्वाइन करते हैं, वहाँ पे थोड़ा किया, वहाँ पे थोड़ा काम शुरू किया, क्लोथिंग का काम सीखा, रिटेल का सीखा, तो ख़त्म हो गया ना जब वासी आ रही है। क्रिसमस का जब वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ ना मेरा, मतलब कि उन्होंने मुझे वहाँ से भी निकाल दिया, उन्होंने उस जॉब से भी मुझे निकाल दिया कि अब तो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, अब तो बाय बाय, ख़त्म बात। मैंने कहा यार ये तो मैंने बड़ी एक्सपेक्टेशन ली थी कि मतलब मैं इस कंपनी में लग जाऊंगा मैं, बट वो भी नहीं पूरा हुआ। मैंने कहा यार अब क्या करेंगे। तो जब उसके बाद निकाल दिया वो, मैं मॉल में जब मैं घूमना शुरू कर दिया, मैंने कहा यार अब तो मतलब ये भी जॉब नहीं रही, वो भी जॉब नहीं रही, पिज्ज़ा शॉप भी नहीं रही, यार मैं तो पता नहीं क्या हो गया यार, ये तो साल भी हो गया ना यहाँ पे आए को, सिटी को। मैं कहा यार ये क्या हो गया। फिर मैंने काम शुरू किया न्यू बैलेंस में, मतलब शुरू एज इन कैसे हुआ कि मैं मॉल में एक दिन घूम रहा था और मैंने दो बंदों को देखा इंटरव्यू लेते हुए, मतलब सही टाइम राइट पोजिशन पर मैंने उन बंदों को देख लिया, वो उठ के अंदर जा रहे थे। मैंने कहा ये बंदे मुझे लगता हायर कर रहे हैं। मैंने अपना रिज्यूमे वहाँ पे ड्रॉप कर दिया कि भाई मैं यहाँ पे सामने काम करता था, तुम मैं अपना यहाँ पे जॉब अप्लाई करना चाहता हूँ, मुझे बहुत एक्सपीरियंस है रिटेल का। तो पता नहीं वो चीज़ कैसे पॉसिबल हुई, मे बी तुमने भी जो तुमने मेरा रेफरेंस उसमें डाला था, कि मैंने तो इसका ही रेफरेंस उसमें मैंने डाला था कि ये मेरी मैनेजर थी, वो थी, जो भी मर्जी था, तो वो जॉब मुझे मिल गई। चलो इसने मुझे रेफरेंस दिया था, तो उसी के करके मुझे न्यू बैलेंस में जॉब मिल गई। अब न्यू बैलेंस काफ़ी अच्छा चलने लग गया, न्यू बैलेंस पूरा चल रहा है, काफ़ी अच्छा चल रहा है, शिफ्ट अच्छी मिल रही हैं, पैसे अच्छे मिल रहे हैं, काफ़ी बिल्कुल स्टेबलाइज सब कुछ हो गया, वापस स्टेबलाइज 3-4 मंथ्स के लिए सब कुछ स्टेबलाइज हो गया। मैंने कहा चलो भाई अब तो मतलब जॉब वगैरह निकालनी है, सब कुछ करनी है, अब तो ईजिली हो जाएगा सब कुछ, मतलब अब तो फीस भी निकल जाएगी आराम से, सब कुछ भी हो जाएगा, और मतलब मैं ईजी भी हो जाऊँगा। तब आता कोरोना वायरस, कोरोना वायरस आता है, मैं फिर से वहाँ पे रह जाता हूँ। मैंने कहा यार अभी मतलब मिलनी शुरू हुई है अभी जॉब, अभी मिलनी शुरू हुई है तो मतलब ये भी ड्रॉप हो गई, मतलब देख रहे हो, मतलब कभी अप जाता हूँ कभी डाउन जाता हूँ, कभी फिर अप जाता हूँ कभी फिर डाउन जाता हूँ, मतलब ये अप डाउन हमेशा ही रहा लाइफ में। अब पता नहीं, अब चलो अप जा रहा हूँ, पता नहीं मेरा मे बी कल डाउनफॉल हो जाए, पता नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। तो मैंने और जॉब्स वगैरह अप्लाई करनी शुरू की, वापस मैं ऊबर पे आ गया भाई। मैंने कहा चलो फिर छुट्टियाँ, फिर ऊबर शुरू करते हैं। मतलब कोरोना वायरस करके मेरी इनकम पे इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ा कि मतलब मुझे दिन का सिर्फ $30 या $40 ही मिलता था, वो ही बैक टू बेसिस जो 2 साल पहले मेरे साथ होता था, वही चीज़ें मेरे से वापस रिपीट होना शुरू हो गई, वही एग्जैक्ट चीज़ मेरे से वापस रिपीट होना शुरू हो गई, 30-40, ये फिर से मसा रोटी निकल रही है यार, रोटी खाने को पैसे निकल रहे हैं, मतलब मसा। तुम्हें भी पता, तुम्हारे से फोन पे बात करता था, तुम्हें बताता था मैं कितने मनते हैं। तो जॉब अप्लाई कर रहा हूँ, फिर से देख रहा हूँ, यहाँ पे जा रहा हूँ कभी वहां पे जा रहा हूँ, मतलब इस टाइम तक मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया था कि जॉब अप्लाई करते कैसे हैं, इतना मुझे एक्सपीरियंस हो गया था। मैंने अप्लाई की वेयर हाउस में, बनिंग्स वेयर हाउस में, वो मैंने इस टेक्निक से मैंने अप्लाई की कि मुझे पता नहीं वो हजारों एप्लीकेशन में से पता नहीं मेरी एप्लीकेशन कैसे सिलेक्ट हुई, उसने कराई, कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं पता।
तो अभी वहां से लेके अब मैं जैसे वहां से लेके अभी तक जो मैं YouTube वीडियोस बना रहा हूँ सब कुछ जो कर रहा हूँ, तो हर एक चीज के साथ एक कनेक्शन है। अब जैसे YouTube भी बना रहा हूँ, मे भी पास्ट में मैंने थोड़ी फोटोज भी खींची हुई थी, पास्ट में मैंने ऐसी ऐसी अपनी स्ट्रगल की फोटोज खींची हैं जहाँ पे मैं रोड पे बैठा हूँ, जहाँ पे मतलब मैं बस के बेंच स्टॉप पे सो रहा हूँ, मैं अपने पेट्रोल स्टेशन के बाहर सो रहा हूँ, कोई घर जाने का टाइम नहीं मिल रहा। मतलब मेरा उस टाइम पे ऐसा था कि मतलब कोई हेल्प करने को नहीं आता था। मैं चाहता था कि उस टाइम पे शायद अगर मेरे को कोई कहता भी ना कि चल अंश कोई बात नहीं तू कर लेगा, मतलब मेरे शोल्डर पे हाथ रखने वाला कोई बंदा नहीं था कि तू कर लेगा, तू कोई बात नहीं तेरा हो जाएगा, तू सब कुछ तू हौसला रख। मैं गिरता था मैं फिर उठता था, मैं गिरता था मैं फिर उठता था, वो मैंने सब कुछ अपने आप पे किया। लेकिन मतलब कोई लोग मतलब कोई स्ट्रगल समझ नहीं पाते कि मैंने किस चीज में से मैं कैसे कैसे निकला हूं। तो मतलब ऐसे इस वो टाइम से मैं निकला हूं कि मतलब कोई मेरे साथ खड़ा नहीं था, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं था वहां पे मेरा, कोई जो करता था मैं अपने आप करता था। मैं कितनी बारी पता नहीं वो रेस्टोरेंट के बाहर बैठ के रोया हूँ, कितनी बारी मैं मतलब मैं फोटोज डालूंगा कि मतलब किस कहाँ कहाँ पे मैं सोया हूँ। मतलब मुझे था नहीं, इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मैं शायद एलियन कंट्री में जाके कहीं बेंच पे सोऊंगा, रात में सोऊंगा, रोड पे सड़क पे सो जाऊंगा। मतलब मेरे को इतनी कोई था नहीं, मतलब मुझे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना अपनी लाइफ से। बट मेरी जो भी अपनी स्ट्रगल है वो मैंने अपने आप ही गोड्डे घिसाए हैं, मैंने सब कुछ मैंने अपने आप किया है। कह लो मेरा हमेशा कोई चीज़ मतलब कोई छूटती ही ना कोई, मतलब वो कोई एक रीज़न होता था कि वो क्यों छूटी, वो कैसे गई, वो कहाँ पे गई। मेरा अब ये मतलब गोल अब यही होता है कि कोई भी अगर नया इंटरनेशनल आता है, कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट आता है, मतलब मैं उसको जितनी मेरी नॉलेज है मैं दे सकूं उसको। अब यहाँ पे लोग क्या होते हैं कि मतलब कि ये बंदा मेरी जॉब के मतलब पूरे बराबरी पे ना आ जाए, कि मैं इसको अपने ऊपर जैसे मेरे लेवल पे अभी ना आ जाए, क्योंकि भाई मैंने इतनी मेहनत की है, ये मेरे लेवल पे क्यों आए। यहाँ पे लोग ये कहते हैं, मैं वो नहीं कहता, मैं कहता हूँ जितनी जल्दी एक इंटरनेशनल अपना कोई ईजिली मतलब हो जाता है, सेटल अप हो जाता है, मेरे को खुशी है भाई कि मतलब यहाँ पे आके उनका थोड़ा लाइफ ईजी हो रही है। And they're really rough and nothing's working, but there's something inside.